हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 12 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं, मुझे पता है मुझे तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि मैं अपने आप से हार नहीं जाता। तो ये हार और जीत ये आप पर निर्भर करती है। अपना एक लक्ष्य बनाइए और उसे पाने के लिए जी जान से भिड़ जाइए। आप तब तक नहीं हारिएगा जब तक आप अपने मन में यह मान ले कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर 12 का। आज लेक्चर 12 में हम लोग पढ़ेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिनका नाम है जस्ट इन टाइम। अगर आपको हाउस ऑफ लीन याद होगा तो उसके दो पिलर थे। क्या क्या थे? जीडोका एंड जस्ट इन टाइम। जीडोका क्या था? व्हेन एवर यू फाइंड एनी एबनॉर्मलिटी, एनी डिफेक्ट, स्टॉप द प्रोसेस। और ये प्रोसेस स्टॉप करने का काम कौन करता है? मशीन, ऑटोमेशन, क्योंकि मशीन इस चीज में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। बट क्या, जब प्रॉब्लम मिल गया उसके बाद क्या करना है? उसे क्विक रिजॉल्व करने के लिए जो करना है वो कौन करेगा? रेस्पॉन्सिवनेस, वो इंटेलिजेंट ह्यूमन माइंड। इसलिए जीडोका किसे कहा गया है? ऑटोमेशन विथ ह्यूमन माइंड, वो था जीडोका। एक पिलर था। नेक्स्ट पिलर है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जीडोका के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो आप इतना समझिए कि दो पिलर हैं। पिलर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने घर का। सारी की सारी मजबूती जो है, जो लोड लिया रहता है, वो आपके घर का पिलर लेता है। पूरा घर का लोड पिलर पे है। तो इसको अगर जस्ट इन टाइम को हम पिलर में जगह दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टूल है। तो इन ए पीरियड ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवर प्रोडक्शन इज ए क्राइम, ताइची ओनो के द्वारा कहा गया था। ताइची ओनो कौन थे? ये एक चाइनीज थे जो कि टोयोटा में एज इंजीनियर ज्वाइन किए थे, एज ए सुपरवाइजर, और लीन का डेवलपमेंट में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जो मैंने क्लास के लेक्चर के बहुत ही शुरुआत में जब मैंने बताया था कि किन किन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में, उसमें से एक प्रमुख नाम था ताइची ओनो का। और जब मैंने वेस्ट पढ़ाया था, एक टाइप ऑफ वेस्ट, अगर आपको याद होगा तो मैंने वहां भी कहा था ओवर प्रोडक्शन बाकी अन्य वेस्ट के लिए सोर्स है। जो सारा वेस्ट है उसमें सबसे बड़ा वेस्ट कौन सा है? ओवर प्रोडक्शन। इसलिए कहा गया है इन ए पीरियड ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर प्रोडक्शन इज अ क्राइम। ओवर प्रोडक्शन क्या है? मीन्स आप कुछ ऐसा कुछ कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या ऐसे मॉडल को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी अभी डिमांड नहीं है मार्केट में, आपको कस्टमर ने ऑर्डर नहीं दिया है, आपको पता भी नहीं है कि इसका ऑर्डर आएगा भी या नहीं आएगा। आप बस एक पास्ट के जो रिजल्ट है उसको आधार मानते हुए आप ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग द राइट आइटम एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी। जिस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर मिला है आप उसी पार्ट को प्रोड्यूस करेंगे, जब ऑर्डर मिला है उसके बाद ही प्रोड्यूस करेंगे। जिस ऑर्डर में आपको ऑर्डर मिला है आप उस ऑर्डर में उसको प्रोड्यूस करेंगे, और जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर मिला है उतना ही आप प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सेटअप टाइम अगर आपका ज्यादा है तो आप कोशिश होती है कि लॉन्ग बैचेस में प्रोडक्शन किया जाए, तो आप एक बड़ा बैच में प्रोड्यूस कर दिए। अभी इस प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं था, इस प्रोडक्ट का मतलब सपोज कीजिए 500 क्वांटिटी में ऑर्डर था और आप एक बार में सेटअप लिया, आप सोचिए बार बार कौन सेटअप लेगा, इसी सेटअप में 2000 बना के रख दिए। ये जो 1500 आप ओवर प्रोड्यूस किए हैं सेटअप चेंज टाइम को बचाने के लिए, आपको एनालाइज करना होगा कि इसके साथ कौन कौन सा कॉस्ट एसोसिएट है। जब मैंने 1W पढ़ाया था तो आपको याद होगा ओवर प्रोडक्शन के साथ
बाकी सारा वेस्ट जुड़ जाता है, चाहे वो इन्वेंट्री का हो, डिफेक्ट का हो, प्रोसेसिंग का हो, जो भी है, सारा का सारा कॉस्ट जुड़ जाता है। सो आपको ओवर प्रोड्यूस नहीं करना है। एनीथिंग एल्स इंटेल्स मुडा, मुडा मीन्स वेस्ट। जितनी जरूरत है आप अगर उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एक कंपोनेंट भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अ वेस्ट। टोयोटा इंट्रोड्यूस्ड जीआईटी इन 1950s इन रेस्पॉन्स टू वेरी कंक्रीट प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग, क्या क्या था देखिए, जब 1950 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा ना हर एक टूल का जो इवोल्यूशन हुआ है या इंट्रोडक्शन हुआ उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही है। कुछ ना कुछ लोग प्रॉब्लम को ऐसा फेस किए हैं जिसकी वजह से ए टूल एग्जिस्टेंस में आया, ए टूल ऐसे काइज़न आइडिया वो लोग इम्प्लीमेंट किए और इवॉल्व होते होते एक बड़े टूल के रूप में आज आपके सामने है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। सो 1950 का जो समय था वो दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जापान की स्थिति बहुत ही खराब थी और मार्केट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक से चूंकि शांति हो गया तो क्या वो प्रोडक्शन में एक पीक आया, डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। सो कंपटीशन भी बढ़ा डिमांड के साथ में, बहुत सारे कंपटीटर आए, बहुत सारे इंडस्ट्री का उस समय निर्माण हुआ। सो क्या क्या प्रॉब्लम आए, फर्स्ट है फ्रेगमेंटेड मार्केट डिमांडिंग मेनी प्रोडक्ट्स इन लो वॉल्यूम्स। ऐसा होने लगा कि आपका जो मार्केट से जो डिमांड आया वो डिमांड में आपके मीन्स वेराइटी बहुत ज्यादा थे। अगर आपके पास 10 मॉडल है किसी कार का तो 10 मॉडल का ऑर्डर आ रहा है बट लो क्वांटिटी में, और कंपटीशन इतना है कि आप किसी कस्टमर को ज्यादा समय तक के लिए रोक नहीं सकते। सो आप लार्ज बैच में प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जैसे डिमांड आया आपको क्विक रिस्पॉन्स में उनको डिलीवरी देना भी है। टफ कंपटीशन मैंने बताया, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री की शुरुआत भी, जापान में भी, अमेरिका में भी, यूरोपियन यूनियन में भी, सारे जगह पे फिक्स्ड और फॉलिंग प्राइसेस, जो प्राइस था वो या तो आइदर फिक्स रहा था या प्राइस उसका गिर रहा। प्राइस क्यों गिरेगा, मार्केट में कंपटीशन की वजह से। अब आप एज्यूम कीजिए आपने किसी मॉडल का बहुत ही ज्यादा क्वालिटी में प्रोडक्शन करके रखा है और आपके जो कंपटीटर थे उन्होंने उनको आपकी कमजोरी पता कि आपके पास इसका इन्वेंट्री लेवल बहुत ज्यादा है, उन्होंने उस मॉडल का अचानक से कॉस्ट उसके मीन्स उसके इक्विवेलेंट किसी मॉडल का कॉस्ट को सडनली गिरा दिया। अब आपके पास इतना ज्यादा इन्वेंट्री है या आप क्या कीजिएगा, आपको भी अपना कॉस्ट को गिराना पड़ेगा। आप जैसे कॉस्ट को गिराते हैं क्या होगा, आपका लॉस होगा। या ये भी हो सकता है कि आपके मिस मार्केट में तो कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, नए नए मॉडल आते जाते रहते हैं, आपने एक मॉडल की बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करके रखा है, सडनली एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, अब आपका प्रोडक्ट कौन लेगा, नहीं लेगा। आपको जरूरत है अपने प्रोडक्ट में अब इवोल्यूशन लाने की, प्रोडक्ट में कुछ चेंज लाने की। जैसा कंपटीटर कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं कुछ अगर नया फीचर है तो वैसा फीचर आपको भी देना पड़ेगा। अब आप क्या कीजिएगा, जो स्टॉक में इतना माल रखे हुए हैं वेस्ट हो गया ना। सो फिक्स्ड और फॉलिंग प्राइसेस, रैपिड चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। हो सकता है जिस मॉडल का बहुत बड़ा इन्वेंट्री कर रहे हैं वो मॉडल की अब जरूरत ही नहीं रहे, टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नया मॉडल आ जाए। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नेक्स्ट कैपेबल वर्कर्स डिमांडिंग हायर लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ वजह थी जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग YGIT, कन्वेंशनल मास मैन्युफैक्चरर्स पुश द प्रोडक्ट थ्रू द सिस्टम इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल डिमांड। क्या डिमांड है मार्केट में उससे नहीं लेना देना है,
एक एमआरपी सिस्टम होता था कन्वेंशनल सिस्टम में, जिसमें बोर्ड लेवल पे डिसाइड किया जाता था कि हम लोग किस मॉडल का कितना उत्पादन करेंगे, इस प्रोडक्ट के मॉडल का, और डिपार्टमेंट वाइज उनको टारगेट दे दिया जाता था। और जो एक्चुअल डिपार्टमेंट में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको नहीं पता कस्टमर के पास क्या डिमांड है, उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं जाती थी, उनको बस जो टारगेट मिला है वो उसे पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। हो सकता है जिस मॉडल के लिए वो जी जान लगा रहे हैं मार्केट में एक्चुअल में उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आज के समय में इन्वेंट्री बन रहा है और वो कंपनी के लिए लॉस हो रहा है। मीन्स आप मेहनत कर रहे हैं किसके लिए, कंपनी को लॉस में डालने के लिए। सो ये जो कम्युनिकेशन गैप था वो था एमआरपी सिस्टम। और मास्टर शेड्यूल इज मेड बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड डिमांड। एमआरपी में कैसे शेड्यूल किया जाता था, प्रोजेक्टेड डिमांड पे, जो आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है उस पर आप कुछ डिमांड प्रोजेक्ट करते थे कि इस साल कितना आपके पास डिमांड आएगा, किस मॉडल का कितना डिमांड आएगा। बट ये क्या है, एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑलवेज सही नहीं होता है, गलत भी होता है। सो ये पैसिव इंफॉर्मेशन हुआ, एक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पैसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। डेली ऑर्डर्स आर गिवन टू ईच डिपार्टमेंट टू टेक द पार्ट फाइनल असेंबली विल रिक्वायर। और फाइनल असेंबली को क्या मतलब मिलेगा, जो एमआरपी द्वारा डिसाइड किया गया आपको इस मॉडल का इतने गाड़ी बनानी है। गाड़ी मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो उनका फिनिश प्रोडक्ट हो। बिकॉज चेंज ओवर टाइम्स आर लॉन्ग, लार्ज बैचेस आर कॉमन। जब आपका चेंज ओवर टाइम ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पे आप लार्ज बैच में ही प्रोड्यूस कीजिएगा। कीपिंग ट्रैक ऑफ एक्चुअल इन्वेंट्री लेवल इज डिफिकल्ट। आपका इन्वेंट्री लेवल भी बढ़ेगा जब आप लॉन्ग रन कीजिएगा, तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। पार्ट शॉर्टेजेस आर नॉट अनकॉमन एंड जस्ट इन केस सप्लाईज आर केप्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम। आपको पता नहीं है आप जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बट जस्ट इन केस ये जो दिमाग में कहीं इस पार्ट का ऑर्डर आ जाए, ये सोच के आप बस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। फ्लोर एंड सेल्फ स्पेस ड्विंडल्स which necessitates larger facilities and more conveyance equipment and personnel. अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा आप प्रोड्यूस करके रखते हैं, अब सॉफ्ट फ्लोर में क्या हुआ, जगह की कमी होने लगी। अब आप इसको स्टोर करने के लिए ताकि जंग नहीं लगे या मूवमेंट के समय डैमेज नहीं हो, आप लार्ज वेयर हाउस बनाए। एक तो कॉस्ट लगा वेयर हाउस का, एक आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट है जिसमें आपको जो मटेरियल्स लगा था, आपको अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा आपका लगा हुआ ना, वेस्ट ना। अगर उसको मार्केट में लगाते हैं तो कुछ 6% 8% इंटरेस्ट आता। या आप मशीन लिए हुए लोन पे, आप मशीन का रिपेमेंट कर सकते थे, उस पैसे का बहुत जगह यूज किया जा सकता था, आप नहीं कर रहे हैं। सो आपका एक वहां लॉस हुआ, वेयर हाउस बनाए, सेकेंड लॉस वहां है, वेयर हाउस तक आप अपनी फैसिलिटी से मटेरियल को मूव कर रहे हैं, थर्ड कन्वेयंस लॉस हो रहा है, और वेयर हाउस में आप स्टाफ रखे हैं जो इस मटेरियल की देखभाल करें, चाहे वो सिक्योरिटी हो या स्टोर पर्सन हो, प्लस आदमी जो कन्वेंस कर रहा है, तो आपको ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। तो सोचिए कितना टाइप का लॉस एसोसिएट हो गया सिर्फ ओवर प्रोडक्शन से। सो आप मेहनत कर रहे हैं किस लिए, ओवर प्रोडक्शन के लिए, और ओवर प्रोडक्शन क्या है, लॉस है, वेस्ट है कंपनी के लिए। सो जस्ट इन टाइम प्रोड्यूसर्स follows a simple few simple rules. क्या क्या रूल है, फर्स्ट डोंट प्रोड्यूस समथिंग unless the customer has ordered it. आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्टिव होना चाहिए आपके सिस्टम में, आप उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिसका एक्चुअल में कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, एक कोई प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। कस्टमर ने ऑर्डर दिया है और आप तभी जॉब को प्रोड्यूस करेंगे, ये आपके सिस्टम में होना चाहिए। सेकेंड, लेवल डिमांड सो दैट वर्क में प्रोसीड स्मूथली थ्रू आउट द प्लांट। ये डिमांड का जो लेवलिंग है इसको कहा गया है हेज, उनका प्रोडक्शन लेवलिंग, ये आने वाले टूल में हम लोग पढ़ेंगे।
मैंने बताया कि डिमांड कभी एक जैसा नहीं रहता। आप शेयर मार्केट में देखते होंगे क्या होता है, पीक एंड फॉल होते रहता है, आप डेली देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन बने रहता है। उसी तरह प्रोडक्शन डिमांड भी आपका अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहता है। इसके कारण क्या होता है, एक अनइवननेस आता है। जब मैंने 3M पढ़ाया था, मुड़ा मुड़ी एंड मुड़ा, सो ये अनइवननेस क्या है, मुड़ी। सो जब अनइवननेस आएगा, सो उसके कारण आपका अनइवननेस आपका मुड़ा है। जब अनइवननेस आएगा तो उससे क्या होगा, स्ट्रेन आएगा मुड़ी, और उस स्ट्रेन के कारण क्या होगा, वेस्ट मुड़ा। ये मैंने 3M में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपको डिमांड को लेवल करना है, थ्रू आउट एक जैसा डिमांड रहना है। अगर ये अनइवननेस आप इसको अगर दूर कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका वेस्ट भी कम होगा। लिंक ऑल प्रोसेसेस टू कस्टमर डिमांड थ्रू सिंपल विजुअल टूल। जो कस्टमर का डिमांड है वो आप तक कैसे पहुंचे, उसके लिए एक सिंपल विजुअल टूल का यूज किया जाए। इसका एक एग्जांपल है कानबान। कानबान एक तरह का कार्ड है। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और आप समझ लीजिए किसी भी टूल को जब आप उसको कल्चर बनाना चाहते हैं तो उस टूल के इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है। ये एक तरह का कार्ड है सिर्फ, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में टोटल को 12 से 15 वर्षों का समय लगा। तो कुछ भी एक दिन दो दिन में नहीं होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप सब लोग इसको जाने, ताकि कंपनी जब किसी कंसल्टेंट को हायर करे उसके पहले आप 10 साल तक इसको प्रैक्टिस करके आप इसमें पूरे निपुण हो जाए, और फिर जब कोई कंसल्टेंट आपके साथ आए काम करने तो आप उनका पूरा यूज ले पाए। सो उसके लिए जरूरी है कि आप उसे टाइम दें। फोर्थ है, मैक्सिमाइज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पीपल एंड मशीनरी। जैसे मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था SMED, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ टाइम। सो प्रोडक्शन गैप का डिमांड बहुत वैरी करता है। आपको रिस्पॉन्सिव मीन्स हाई रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए अगेंस्ट द कस्टमर डिमांड। कैसे करेंगे, आपका सेटअप टाइम बहुत कम हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेटअप ले सके। अगर मिक्स वैरायटी में आप ऑर्डर आता है तो आप उसको रिस्पॉन्स कर सके। उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी इन पीपल एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन मशीनरी इज रिक्वायर्ड। द कंपोनेंट्स ऑफ द JIT सिस्टम आर कानबान एंड सेकेंड प्रोडक्शन लेवलिंग और H1 का। देखिए ये दो टूल है जो जस्ट इन टाइम का दो टूल है। पहला है कानबान, सेकेंड है प्रोडक्शन लेवलिंग और H1 का। और दोनों टूल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कानबान तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट टूल है। सो दीज टू इन टर्न्स डिपेंड्स ऑन, इन दोनों के लिए भी क्या जरूरत है। फर्स्ट है क्विक मशीन चेंज ओवर। क्विक मशीन चेंज ओवर कैसे करेंगे, SMED का जो आइडिया हम लोग को मिला है उसको यूज करते हैं। Which allows rapid response on daily customer orders and minimize muda of waiting. ठीक है? Second है visual management through the 5S system, which makes the production conditions transparent to the entire team and coordinates action. And third one is capable processes, which means capable methods, workers एंड मशीन, जो आपको स्टेबिलिटी देगा। तो हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, विजुअल मैनेजमेंट 5S के बारे में पढ़ चुके हैं, एंड क्विक चेंज ओवर के लिए SMED के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप इसमें से कुछ मिस किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक लेक्चर को, लेक्चर 1, 2, 3 मिस एक क्यू में आए, एक लाइन में आए। ऐसा नहीं है लेक्चर 10 से आप सीधा स्टार्ट कर दे। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आपको लेक्चर 1 से ही शुरुआत करनी होगी। मैंने डिजाइन लेक्चर को इस तरीके से किया है कि आप लेक्चर 1 से लेक्चर 2 का लिंक है, लेक्चर 2 से 3 का लिंक है। मीन्स जब आने वाले लेक्चर में आप अगर किसी टूल्स को सुन रहे हैं, आप उसके बारे में जो बैकग्राउंड है आपको पहले दिया जा चुका है।
यहाँ पे जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लो, पुल, कानबान, हेज उनका एंड प्रोडक्शन लेवलिंग, इन जैसे टूल के बारे में पढ़ेंगे जिसका जिक्र मैंने आज के लेक्चर में किया। तो साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं लेक्चर 12 को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।